तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये एक छोटी वीडियो रहेगी लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो कि मैं नहीं चाहता था इसके बारे में हमको बात करनी पड़े, लेकिन ऑब्वियसली करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। और अगर ऐसा हो गया तो भाई हम क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से हमको खुशियाँ मिली थी, इतनी मुश्किल से कुछ नया देखने को मिल रहा था, एक मॉडर्न एज ऑफ WWE फाइनली स्टार्ट होने लगी थी, लेकिन अब रूमर्स आने लगे हैं कि विंस मैकमैन वांट्स टू कम बैक टू WWE। वही पुराने दिन वापस आ जाएंगे क्या? क्या विंस मैकमैन वांट्स टू रीगेन पावर? क्या उनको चाहिए कि एक बार फिर से भाई जो मैं चाहता हूं वही हो, मेरे हिसाब से हो? आखिर ये रूमर्स आए भी क्यों हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, वो सारी स्टोरी में बात करेंगे। क्या मुझे लगता है सच में हो भी सकता है फिर नहीं, और अगर ऐसा हो गया तो HHH और बाकी लोगों का क्या हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं इस बात को, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ वीडियो को एंड तक देखें, अपने ओपिनियंस उन्हें कमेंट्स में बताएं और उस लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। विंस मैकमैन स्टेप डाउन एज द WWE चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन और एज द हेड ऑफ क्रिएटिव, जब उनके अगेंस्ट सारी सेक्सुअल एलिगेशंस लगी थी और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था भाई, इतनी ज़्यादा उन पर प्रेशर था कि ही हैड टू लीव। लेकिन अब एक बार फिर से इतने टाइम बाद, महीनों बाद, जैसे जैसे इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशंस बढ़ रही हैं और लोग निकलते आ रहे हैं भाई बाहर कि जिनके अगेंस्ट विंस मैकमैन ने शायद कुछ असॉल्ट किया था, जिसके लिए उनको अब जो है वो चार्ज कराया जा रहा है, या फिर कंप्लेंट्स जिसके अगेंस्ट फाइल करी गई थी वो पता लग रहा है कि सारे विंस मैकमैन के केस थे। जो लेटेस्ट सिनेरियो है वो है 2011 का, किसी कैलिफोर्निया की स्पा के मैनेजर के साथ। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे विंस मैकमैन ने करा है या फिर क्या है सच है या फिर नहीं, लेकिन ये जो सारी एलिगेशंस हैं अब विंस के आगे एक एक करके बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंस वापस आना चाहते हैं तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चीज़ें और उनके लिए पर्सनल लेवल पर बुरी हो रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो नया केस आया है इसको विंस मैकमैन ने रिजेक्ट कर दिया है। वो कह भी रहे हैं कि मैं कोई इसके अगेंस्ट जो है वो डैमेज नहीं पे करूंगा क्योंकि ये सब कुछ झूठ है। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि ये जो स्पा की मैनेजर है वो फिलहाल डिप्रेशन में है, काफ़ी सारे उनको इश्यूज थे उस इंसिडेंट के बाद। इनफैक्ट बैक स्टेज WWE के इवेंट में उस स्पा मैनेजर का हस्बैंड एक बेसबॉल बैट लेके पहुंचा टू अटैक विंस मैकमैन, लेकिन उस चीज़ को ऑब्वियसली रोक लिया गया था। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ गाइज कि WWE की एक रेफरी जिनके अगेंस्ट असॉल्ट हुआ था उसको ऑफिशियली सेटल करा जा रहा है और $11.75 million पे करे जा रहे हैं। विंस मैकमैन WWE की तरफ से, उनका नाम था रीटा चैटर्टन, जिस केस के लिए इसको सेटल करने के लिए एलिगेशन को $11.75 million पे करे जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमको पता है विंस मैकमैन से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, काफ़ी सारे इश्यूज हैं, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब भाई पकड़ के रखा है विंस मैकमैन की गाड़ी को, वो तो उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, सारी जो भी उनके इंसिडेंट्स हैं मुझे लगता है वो रिपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन इसी सेम आर्टिकल में आगे एक चीज़ बताई गई कि विंस मैकमैन को ऐसा लगता है कि जब उनके साथ इनिशियली ये एलिगेशन लगे थे, यानी कि स्टार्ट जब ये चीज़ हुई थी, तो उन्होंने अपने नियर बाय टॉप हायर अप्स WWE के जो हैं सबसे एडवाइस मांगी, और सबकी एक एडवाइस यही थी कि इतना प्रेशर है तुम्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। लेकिन विंस को पर्सनली अब ऐसा फील हो रहा है कि वो एक गलत डिसीजन था, क्योंकि अगर वो अपनी पोजीशन में रहते, अगर वो कभी क्विट नहीं करते या फिर अपने आप को दूर नहीं करते WWE से, तो ये सारी चीज़ें तब भी सेम रहती, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जो एलिगेशन है वो चलती रहती। तो विंस को ऐसा फील हो रहा है कि भाई इनिशियली जितने भी उन्होंने एडवाइस लिए सारे लोगों से वो गलत थी। मे भी उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सारे लोगों ने कोशिश करी कि भाई ये मौका आ गया विंस को बाहर निकालने का, क्यों ना हम ये सब करें, उनको एडवाइस करें कि तुम्हें स्टेप डाउन करना चाहिए, दैट्स व्हाट एवरीवन एडवाइस्ड। और विंस मैकमैन WWE के बोर्ड से उस टाइम के लिए चले गए और अब वो किसी तरीके से भी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक चीज़ गाइस हम भूल नहीं सकते हैं, जो कि सबको पता होनी चाहिए और वो चेंज नहीं हुई है, कि विंस के पास अभी भी मेजॉरिटी शेयर्स हैं WWE के। इसका मतलब ये है कि जब वो बोर्ड इकट्ठा बैठेगा तो विंस मैकमैन के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और अगर विंस अपने मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स बेचते हैं, उसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट WWE कंपनी जो है उसको या तो सेल करना पड़ेगा या फिर कोई और बंदा होना चाहिए जो वो उस मेजॉरिटी स्टेक को खरीदने के लिए उतने पैसे उसके अंदर डाल सके। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि सच में एग्जिस्ट करती हैं। और अगर विंस मैकमैन चाहें वापस आना तो ये आर्टिकल बोल रहा है कि इट इज़ वेरी पॉसिबल, अगर वो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज जो हैं बैक स्टेज, उनसे सारे डर्ट शीट्स ने रीच आउट करके पूछा, पता लगाने के लिए कि क्या माहौल है, किस तरीके से लोग इस चीज़ को देखेंगे अगर विंस वापस आ रहे हैं। और इसका आंसर आप लोगों को पता ही है, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता विंस को वापस आना, क्योंकि भाई अगर विंस आते हैं वापस तो सारी चीज़ें बैक टू स्टार्ट चली जाएंगी, जितने भी चेंजेस करे गए
इतने सारे सुपरस्टार्स वापस आए ट्रिपल एच के बाद, जिनको विंस मैकमैन ने इनिशियली रिलीज कर दिया था, उनका क्या? जितना भी ये नया विजन है ट्रिपल एच का अपनी WWE के लिए, उसका क्या? क्या विंस मैकमैन इतने सेल्फिश हैं कि सिर्फ अपने आप को पावर में लाने के लिए, अपने डिसीजंस करने के लिए और जो वो चाहते हैं वो हो ये देखने के लिए वो वापस आएंगे और जो इतनी मेहनत ट्रिपल एच ने करी है इतने महीनों से वो एकदम से फिर से सारी खत्म हो जाए? आई डोंट थिंक कि विंस वो कर पाएंगे, क्योंकि बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो इसके अगेंस्ट वोट करेंगे कि विंस पावर में आए, क्योंकि अगर वो आते हैं तो ऑब्वियसली WWE की जो पब्लिक इमेज है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। इनफैक्ट जैसे ही आर्टिकल बाहर आया WWE का स्टॉक काफ़ी हिट उसने ली, 15% स्टॉक का प्राइस उसी टाइम गिर गया। तो अभी तो ये सिर्फ न्यूज़ से ऐसा हुआ है, लेकिन अगर विंस वापस सच में आ जाते हैं देन ऑब्वियसली इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द WWE। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक रिपोर्ट है और ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, अब इस पे मेरा क्या थॉट है, सिंपल ये है, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। विंस मैकमैन इस पॉइंट पे हैं कि अगर वो वापस आना चाहें ऑब्वियसली वो बैठ सकते हैं बोर्ड पे, वो ट्रिपल एच को बता सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक वो फेस बन सकते हैं। आई डोंट थिंक वो बैक स्टेज उस लॉकर रूम में जाकर अब काम कर सकते हैं, क्योंकि जितने सारे एलिगेशन हैं इसके साथ उन पे कोई ज़्यादा ट्रस्ट करेगा नहीं, और हम जानते हैं कि पहले भी उनकी हिस्ट्री जो है रीसेंट हिस्ट्री वो कुछ इतनी खास नहीं रही है काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के साथ। तो वो आई डोंट थिंक वो चेंज करेंगे, आई डोंट थिंक ट्रिपल एच एकदम से सारी चीज़ें गिव अप कर देंगे। स्टेफनी और निक खान को CEOs नहीं रहेंगे अचानक से, एकदम से उसको 5-6 महीने वापस लेके जाना WWE के लिए एज अ कंपनी एक बहुत बड़ा हिट होगा, और अगर सिर्फ विंस चाहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो ये मैं करूंगा, आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी चीज़ या इतनी बड़ी गलती वो इस लेवल पे करने वाले हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर होता हुआ देख सकता हूं कि विंस का से होगा अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी को बेचना चाहिए या फिर इस कंपनी का अगला बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, क्योंकि विंस हैज द मोस्ट वोटिंग राइट्स, विंस के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, और इसका मतलब यह है कि वो सबसे ज़्यादा पार्ट अभी भी ओन करते हैं WWE का, और वो चीज़ उनसे कोई नहीं छीन सकता है बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली लीगल। तो अभी इमीडिएट फ्यूचर में आई डोंट थिंक हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है कि भाई ट्रिपल एच का काम खत्म हो गया, लेकिन एक डर हमेशा मन में रहेगा कि क्या पता इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं वो एकदम से खत्म हो जाए बिकॉज विंस वॉन्ट्स टू कम बैक। आप लोगों के इस पर क्या थॉट्स हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ट्रिपल एच का विजन अभी आज से 2 महीने या 3 महीने का नहीं है, ट्रिपल एच का विजन आगे 2-3 सालों का एटलीस्ट है कि कहाँ वो लेके जाना चाहते हैं, कौन उनके आगे के मेन स्टार्स हैं, किनको वो आगे रेसलमेनिया में मेन इवेंट करते हुए देख सकते हैं, एंड हु कैन बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग इन द WWE। ये अब जॉब है ट्रिपल एच के पास, और इसीलिए हमें सारे नए टैलेंट्स अब टाइटल जीतते हुए देखने को मिल रहे हैं लाइक गुंथर, क्योंकि अभी भले ही उनको उतना बड़ा स्टार नहीं मानते लेकिन डाउन द लाइन आज से 2 साल बाद मे बी इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द WWE, और वो एक्सपेरिमेंट जितने हद तक ट्रिपल एच कर रहे हैं विंस मैकमैन दूर दूर तक उसको ट्राई भी नहीं कर रहे थे। तो देखते हैं कि क्या होता है गाइज, लेकिन ये रिपोर्ट आते ही एक बार फिर से रेसलिंग का जो वर्ल्ड है वो शॉक हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हाउ कैन विंस मैकमैन थिंक कि भाई मुझे वापस जाके फिर से शो लिखना चाहिए और वीकली रॉ और स्मैकडाउन को रन करना चाहिए, ये लोगों की समझ से बाहर है। और जो पीछे बैक से लॉकर रूम में हायर अप्स हैं वो चाहते हैं कि विंस को रिटायर ही रहना चाहिए, उनको वापस नहीं आना चाहिए बिकॉज इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में गाइस, अगर आपका वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।